नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्र, वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ जगहों में भारी बारिश और अति भारी बारिश भी दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में देखा गया तो वाइड स्प्रेड बारिश हुआ है। 29 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। वेरी हैवी रेनफॉल 3 स्टेशन से रिपोर्ट हुआ और हेवी रेनफॉल 8 स्टेशन से रिपोर्ट हुआ। सबसे ज्यादा बारिश हुआ रतलाम डिस्ट्रिक्ट में, 180 मिलीमीटर वेरी हैवी रेनफॉल है। और ईस्ट एमपी में भी फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश दर्ज किया है। थंडरस्टॉर्म 24 डिस्ट्रिक्ट से दर्ज किया है और सबसे ज्यादा बारिश हुआ सतना में, 91.2 मिलीमीटर 2 स्टेशन से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट है। और टेम्परेचर के बारे में देखा गया तो वेस्ट एमपी में सबसे अधिकतम तापमान ग्वालियर में रिपोर्ट हुआ 35.6 डिग्री और ईस्ट एमपी में निवारी में 35.7 डिग्री दर्ज किया। और भोपाल में भी कल देखा गया तो वाइड स्प्रेड बारिश मिला है। सबसे ज्यादा बारिश रिपोर्ट हुआ 45 मिलीमीटर अरेरा हिल्स में। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो मानसून ट्रफ का पोजीशन अभी ऊपर है, मतलब वो आगरा से सिद्धि नॉर्थन एमपी के कुछ पोर्शन टच करके जा रही है। और कल जो शियर सोन था 22 डिग्री में, वो अभी थोड़ा नीचे है 18 डिग्री में। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर था, वो कल से बे ऑफ बंगाल में इमर्ज होके आज वो लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हुआ है। तो आने वाले दिनों में वो उसका असर भी हमारे रीजन में रहेंगे, जैसे आज से काफी रीजन में मॉडरेट टू हेवी बारिश का चांसेस है। तो ये स्थितियों के अनुसार हमने अभी फोरकास्ट और चेतावनी जारी किया। का कंडीशन देखा गया तो भी कल भी ऑलमोस्ट सेंट्रल से साउथ डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है और ईस्टर्न एमपी का नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। और हेवी रेनफॉल का वार्निंग भी मेनली सेंट्रल से साउथ एमपी के उधर ज्यादा रहेगा और विदिशा, रायसेन, हरदा, बैतूल ये डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी बारिश का चांसेस है। और राजगढ़, सीहोर, भोपाल, इंदौर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, धार ये रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और ईस्ट एमपी में देखा गया तो जबलपुर और बालाघाट में ऑरेंज अलर्ट है हेवी टू वेरी हेवी का। छिंदवाड़ा, पांडुना, नरसिंहपुर, शिवनी और मंडला ये रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे। उसके बाद सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा, मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश रहेगा सेंट्रल से साउथ रीजन में, नॉर्थन रीजन में फ्यू प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है, बट इंटेंसिटी थोड़ा कम होने का चांसेस है। हेवी रेनफॉल, वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस कम है। हेवी रेनफॉल हमने ईस्टर्न साइड में छिंदवाड़ा, पांडुना में दिया है और वेस्टर्न साइड में देखा गया तो अलीराजपुर, झाबुआ, हरदा, धार, विदिशा और राजगढ़ ये रीजन में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और डे फोर में कंडीशंस डिस्ट्रीब्यूशन तो रहेगा मोस्टली साउथ से सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में भी मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस रहेगा, लेकिन हेवी रेनफॉल वार्निंग कुछ जगह पे दिया है, जैसे राजगढ़, हरदा ये डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। और डे फाइव में देखा गया तो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है ईस्टर्न साइड में, डिस्ट्रीब्यूशन मेनी प्लेसेस से मोस्ट प्लेसेस तक बारिश होने का चांसेस है और हेवी रेनफॉल का वार्निंग भी ईस्ट सेंट्रल मध्य प्रदेश में जैसे रायसेन, नर्मदापुरम और ईस्टर्न मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर, शिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना रीजन में रहेंगे। तो ये जो साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम अभी बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हो गया वो ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ मूव हो जाएगा और हम आने वाले दिनों में हमारे रीजन में आज और कल हमारे रीजन में मध्य प्रदेश के काफी रीजन में बारिश होने का चांसेस है। और भोपाल में भी ये जो कंडीशन चालू है मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल का कंडीशन आज और कल परसिस्ट रहेगा। धन्यवाद।